बाय द वे रुस्तम का जो हिट गाना है तेरे
like my voice so much, I think, before really? Karan sir. Yeah, I mean, you voiceovers के लिए तो बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी. हाँ, but वो आये ये 103 दशमलव वाली आवाज़ बहुत बेस बहुत करा आपका. I remember one thing. I must share here. He had sung a song called Sathire in Kapoor and Sons, which was written by me. And which is the first time. First time we collaborated. Okay. Yeah, right. So one fine day, I was working on the music of Kabil. So Rakesh Roshan ji, he called me, and my caller tone was that same song, Sathire. Yeah. So he called me, and he was like amazed, Manoj, ye kisne gaya hai tumhara caller tone jo hai? And I was like, kaun si caller tone hai meri? Kyunki main har din badal deta hu, har 10 din. Wo Sathire. Maine kaha, it's my friend Arko. So will he sing for us? And wow. He said, he is like too moody. I have no idea about that. But I'll ask him. सवालों के लिए आगे बढ़ते हैं. आपके लिए हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लेके आए हैं. सिंपल सा राउंड, इसका नाम है विटी लूप्स, WITYLWPS. मैं भी सर इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ. तो खैर, सवाल जवाब होंगे नॉर्मल, सीधे सीधे सवाल आपसे और आपको सीधे सीधे जवाब देने. हाँ जी, शुरू करिए. वियर्डेस्ट सॉन्ग यू हैव हर्ड इन बॉलीवुड. वियर्डेस्ट, देखो बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग रेनिंग. देखो बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग इट्स रेनिंग. माय हार्ट इज पेनिंग, इट्स पेनिंग पेनिंग. दिल रो रहा है. माने इट्स लाइक सेइंग द सेम थिंग फर्स्ट इन हिंदी एंड देन इन इंग्लिश. चलिए सर, अब आपकी बारी. योर फेवरेट सॉन्ग लिरिक्स. मेरा जो एक गाना मुझे याद आता है, दैट इज फ्रॉम कागज के फूल. देखी जमाने की यारी, आई थिंक पिछले सभी बारी. वन ड्रीम थीम. सवालों के लिए आगे बढ़ते हैं. आपके लिए हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लेके आए हैं. सिंपल सा राउंड, इसका नाम है व्हाट वुड यू गिव अप म्यूजिक फॉर. डबल टी वाई एल डब्ल्यू पी एस. इंग्लिश में कंफर्ट. गिव अप म्यूजिक फॉर समथिंग. नेवर फॉर नथिंग. नो जस्ट टू चॉइसेस, लव और फेम. I'm not giving up music, not for either of them, not for nothing. So maybe you want love, music, and fame both at the same time. Yes, music will bring me both of them. I mean, absolutely. Yes. I like sir, आपके बारे 48 घंटे आपके पास जीने के लिए. bucket list में तीन चीजें जो पूरी करनी है, क्या करेंगे? 48 घंटे में जीने के लिए. हाँ जी. Okay, I'll write 5 songs, 4 with Arko. Oh, oh my God! Congratulations, sir. And one wow. with one with that I can choose later. That's amazing. दो चीजें और क्या हैं? दो चीजें और I'll watch 3-4 films again. Okay. Your favorite name two films, any of those? Kagaz Ke Phool and Abhiman. Okay. Arre, wow. Yeah, so I watch them again. So teesri cheez kya hai? And the third thing, I will listen to at least 20 of my most favorite songs on loop till the time I die. Wow. Amazing. Nice. True poet. I think he's been giving good interviews. मतलब एकदम से ना ये सटा के cherry on the cake. Why do you think I go everywhere with him? He's a cherry on cake. He's excellent. फिर से ग्लास सामने लगे, फिर से दो खिलाड़ी मैदान में तैयार है. देखिए, पांच ग्लास, पांच सवाल, पांच ही बार पीना है. और अगर आप सही जवाब देते तो मैं पीऊंगा, ये पिएगी. और गलत जवाब देते तो आप ही पिएंगे. क्या हम तैयार हैं? यस यस. आइए खेला खेला. ओके आर्को, द नेम ऑफ मनीषा कोइरालास कैरेक्टर इन खामोशी द म्यूजिकल वाज. दैट्स रियली टफ. सही जवाब. मेरी किस्मत खराब है सर. मैंने पिछली बार भी पहला तेरी नियत खराब है, किस्मत तेरा ठीक है. अरे नहीं सर.